10 करोड़ का जीएसटी काट के 4 रुपए मिलता है इंडियन करेंसी में। देखो मैं उनको देता हूं युगांडियन करेंसी में, ठीक है, फिर युगांडा वाले जीएसटी काट लेते हैं, तो जीएसटी काट के इनको 10 करोड़ का मिलता है 4 रुपए। अच्छा, फिर इंडिया वाले भी तो जब बाहर से पैसे आते तो इंडिया वाले भी जीएसटी? नहीं, वो इंडिया में काट के मिलता है, इंडियन जीएसटी काट के 4 रुपए मिला है। हाँ, इंडियन जीएसटी काट के इनको 10 करोड़ का 4 रुपए मिलता है, 4 रुपए 3 पैसे कुछ, 4.12। हाँ, फिर आपके पेटीएम से ट्रांसफर की सुविधा है क्या? नहीं नहीं मैं तो सीधा युगांडियन बैंक में करता हूँ ना, तो वहां से आता है इनके अकाउंट में, वहां से ही आता है। बताओ, ये अपना बच्चा एक्सपीरियंस शेयर करेगा, कितने बच्चों को पैसे मिले हैं बताओ, ऐड करता हूँ किसी बच्चे को। अरे पुनीत राणा सर घूम रहे क्या इधर? हेलो सर, क्या हाल चाल? सर बहुत बढ़िया सर, सर बहुत बढ़िया, आपसे मिलके लगा सर। कौन से बैच में पढ़ता है सर? अर्जुना नीट। अर्जुना नीट में? अर्जुना नीट, अर्जुना नीट सर। अच्छा जी सर। आज क्लास कौन है? यस सर, लाइव लेता हूँ सर, नो बैकलॉग। नो बैकलॉग, वाह यार सर, मतलब सर आपके वजह से सर फिजिक्स पढ़ पाता हूँ आज। हाँ, बढ़िया समझ आ रहा है फिजिक्स? यस सर, बहुत बढ़िया आ रही है। घर कहाँ तेरा? सर यूपी बरेली। यूपी बरेली। लास्ट क्लास में कुछ पैसे ऐसे कमाए थे तुमने? सर शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने। शॉर्ट नोट्स बनाए थे? सवाल का जवाब, आपको पैसे नहीं कमाया सर? क्वेश्चन एकदम कम होता हो पाते हैं, वैसे हो जाते हैं। वैसे हो जाते हैं? यस सर। बहुत बढ़िया। चल, नाम क्या तेरा? उदय अग्रवाल सर। उदय अग्रवाल। उदय अग्रवाल, ठीक है अग्रवाल जी। इधर अपना समोसे का दुकान तो नहीं है अग्रवाल नमकीन वाला? नहीं 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 सर। क्या करता है पिताजी? बताओ। पापा का बिजनेस है ज्वेलर। अच्छा, ज्वेलर्स का शॉप है ना, समझ गया था मैं, समोसे का नहीं है, ज्वेलर्स का है। बहुत बढ़िया। यस सर। ठीक है बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है? यस सर। चलो ओके बाय। पुनीत सर घूम रहे थे यार इधर, ऐड करता हूँ उनको। पुनीत सर अगर देख रहे हो तो रिक्वेस्ट भेजो, ऐड करता हूँ। इधर तो नहीं मिल रहा सर। तो सर फिर आप ये युगांडा की करेंसी का क्या फंडा हुआ समझाइए थोड़ा। अरे यही तो सीक्रेट है, ये लड़का घूम रहा है, इस लड़के को पहचानते हो गए आप? मनीष फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा ऐड कर। हेलो, अरे कहाँ छुप के बैठी है? प्रणाम सर। यस सर। अरे ये कौन है? अरे सीधा बैठ जा पहले तू। यस सर, अर्जुना नीच से। राम राम सर। अच्छा, अर्जुना नीच से है? राम राम। यस सर। तेरा काउंसलिंग हुआ कि नहीं? अभी कहा कुछ सेकंड तो बैठ सर। ऑनलाइन सर, ऑनलाइन ही करते। अच्छा ठीक है, थोड़ा तो समझ गया मैं, पढ़ाई चल रहा है बढ़िया, बैकलॉग तो नहीं है? हाँ सर, अपने बैकलॉग के नाम पे काउंसलिंग उसने अभी स्टार्ट कहा हुआ है सर, अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ तुम लोग? अभी तक नहीं हुआ। और सर प्रणाम, बहुत दिन बाद इस सर को देखे हैं। पीएस सर है ना शायद? हाँ साहिद है, पीएस सर ही है, साहिद पीएस सर ही है। थर्मो पर आए थे हम लोग को। थर्मो पर आए थे, याद आया सर? परेशान हो जाते थे सर मेरे से हम लोग को। और बता। और सर सब ऐसे ही चल रहा है टाइम पास सर, वैसे सर का दर्शन नहीं हो पाता, सोच रहे लाइव में दर्शन किया जाए सर का।
लाइव में दर्शन करेगा, मिठाई टाइप खिलाने आ जाए, डॉक्टर बनने वाला है तू। हाँ सर आएंगे, आपको नहीं मिठाई चाहिए किसको खिलाएंगे सर, इसका 80% हकदार तो आप ही है सर। 50% बोल रहा क्योंकि सर फिजिक्स सही नहीं होता था इस बार, फिजिक्स में अच्छा मार्क्स आया इसीलिए बोला 80% जरूरी है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री तो तेरा बहुत बढ़िया था, फिजिक्स से रुक रहा था, चल बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और सर आप बढ़िया है सर? हाँ बढ़िया है। और सर आपको बिहार आओगे तो सर बिहार जब आओगे सर आप मिलना है सर आपसे, बहुत दिन हो गया है लाइव मिला हुआ, मतलब रियल में लाइव तो मिल ही रहे हैं, ऑनलाइन में रियल में सर, ऑफलाइन मोड में मिलना है सर। ऑनलाइन हाँ मिलेंगे ना, मिलेंगे जरूर मिलेंगे। हाँ सर ऑफलाइन ऑनलाइन सारे मिलेंगे, सारे मिल लेना। और बढ़िया चल ठीक है, बात करते हैं। प्रणाम सर। ओके प्रणाम। हाँ भाई क्या हाल चाल? अरे लेक्चर देख रहा हूँ आप तो कर ले जी, पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा है पढ़ाई नहीं कर रहा तू, एक्टिंग कर रहा है। नहीं सर देखिए दिखा रहे आपको अभी नजरें तो सर उस बहुत जोरदार एक्टिंग कर, हाँ एक्टिंग कर रहा था ये बहुत जोरदार। भाग गया देखो अब। पेट पे भूख है। हाँ और लड़की की तरह 5-6 कलम है, कितने रंग से नोट्स बनाता है? जितना रंग से आप लोग लिखते हैं उतना रंग से। अरे दादा खेल गया तू, जितने रंग से मैं लिखता हूँ उतने रंग से नोट्स बनाता है जी सर। कौन से बैच में? कौन से बैच में? यकीन 0.2। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ तक पहुंचा सर जिसमें? थर्मोडायनेमिक्स। घर कहाँ तेरा? बिहार गया जिला। अच्छा बहुत बढ़िया चल रहा है पढ़ाई, बढ़िया से बेटा बहुत अच्छा। समस्या तो नहीं है आपका, मतलब बहुत ज्यादा हम लोग पीछे ये है, सपोर्ट है, बता नहीं सकते सर। बहुत सपोर्ट है। बताओ मतलब अच्छा से क्लियर हो जाता है कि कहीं पे डॉट भी नहीं जाता, हर क्वेश्चन सोल्व हो जाता है आसानी से, बहुत योगदान है आपका। मतलब फिजिक्स की वजह से तो आदमी थोड़ा मतलब बहुत पीछे रहता है, और मेन सिलेक्शन जो है फिजिक्स से हो जाता है, बाकी चीज तो ठीक हो जाता है। और तो कोई टीचर रहे अच्छा तो सब मैनेज कर लेता है स्टूडेंट खुद ही, लेकिन फिजिक्स बहुत जरूरी है जी। और सर आप जी इतना गुस्सा होते हैं, हम लोग तो ऑनलाइन से इतना डर जाते हैं सर, इतना ज्यादा गुस्सा मतलब बता नहीं सकते हम लोग को, मतलब हमको अच्छा नहीं लगता खास करके, पर जो भी जो कमेंट करता हो वो सर बच्चे लोग अच्छा नहीं रहता है। हम लोग तो हम तो आज तक कभी कमेंट नहीं किए हैं, बस देखते रहते हैं अपना लेक्चर सर पढ़ा रहे हैं, देखते कभी आपको डिस्टर्ब नहीं किया। डाउट पूछना चाहिए कोई बात नहीं, हर बच्चा अलग अलग तरह का होता है, और दिस इज द पार्ट ऑफ टीचिंग, गुस्सा डांटना चिल्लाना और मतलब ये पार्ट ऑफ टीचिंग है, ऐसा नहीं है कि गुस्सा करने से बच्चे लोग डांटते हैं, बच्चे लोग जानबूझ के नहीं करता, यस एग्जैक्टली जानबूझ के करता है, हमें उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। एज अ टीचर हमें लगता है कि सारा बच्चा कुछ ना कुछ सच में ही डाउट पूछ रहा है। हाँ वो ठीक है, डाउट पूछा तो हम लोग फायदा होता है, हम लोग फायदा होता है, अच्छा लगता है, लेकिन वो आदमी आपको डिस्टर्ब करता है। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? कुछ नहीं, हम अपना लेबर मतलब काम करके पैसा जमा करके पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? खुद काम करके पैसा जमा किए, उसके बाद स्टडी किए हैं, 4 साल काम करना पड़ा हमको, उसके बाद हम मेरा सपना था डॉक्टर बनना है, तो हम पैसा वैसा अपने सब कुछ जमा करके और ये पढ़ाई कर रहे हैं अपना। क्या काम करते हो? काम पहले मेडिकल में कर चुके, हॉस्पिटल में 2 साल, तो अच्छा खासा मतलब अर्निंग करने की है।
जी हाँ कंपाउंडर पूरा प्रैक्टिस जी पूरा प्रैक्टिस है उसमें, मेडिसिन पानी चढ़ाना मतलब जितना काम होता है सर, पानी चढ़ाना दवा देना सब कुछ आपसे मिलेंगे पटना में। कौन से हॉस्पिटल में कहा था तो? कहाँ पे काम करता? कोलकाता में था, कोलकाता में डॉक्टर समीर है सर, मतलब डॉक्टर के नाम है और चूना गली। तुम्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि तुम एक जब एक लेबर की तरह पैसे कंपाउंडर का काम करते थे तो तुमने सोचा कैसे कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? कैसे सोच लिया तुमने ये सोचने की हिम्मत? एक बार जो है अम्मी का तबीयत खराब हो गया था तो डॉक्टर लोग जल्दी आता नहीं गाँव में, तो हम सोचे उसी वक्त से हमको डॉक्टर खुद बनना है, कोई भी मेरा खानदान में या मेरा गांव में कोई भी बीमार हो तो हम देख सके, ऐसे वक्त कोई ज्यादा मतलब किसी का डेट ना हो या हम वक्त पे काम आ जाए, इस लायक इंसान बनना हमको, और सिर्फ अपने घर या खानदान के लिए नहीं पूरा इंडिया के लिए बनना हमको हमेशा, मतलब मरने दम तक हमको कुछ अच्छा करके जाना है, कुछ अच्छा देख जाना है इस संसार को। वाह इतनी हिम्मत, मतलब सभी इंसान को भगवान दे जितनी हिम्मत तुम्हें मिली, मतलब तुम्हारे हिम्मत को मैं बता देता हूँ और सॉल्यूट टू यू, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। बस ये मतलब ये तो अभी सोचना बहुत बड़ी बात, बहुत कुछ काम किए, लेबर तक किए, सीमेंट बालू फर्नीचर का काम 1.5 साल, अरे बहुत फर्नीचर काम किए। मुझे नहीं पता कि तू डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन तू बहुत आगे जाएगा और बहुत सक्सेसफुल बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है लर्निंग है ना। हाँ मतलब तू देख तू बहुत बड़ा काम करेगा जीवन में, ऐसी बात नहीं है, मतलब तू हो सकता है डॉक्टर से भी बड़ा काम करे, तुम्हारे अंदर 4 डॉक्टर काम करे है ना, तू डॉक्टर बन मिलना। अरे मेरी इच्छा तो अब ये है कि मैं तुमसे मिलूं, मतलब रिस्पेक्ट करना, तरुण सर एमडी सर जितने सब टीचर सबसे मिलेंगे, तरुण सर बोल बहुत अच्छे हैं, सब सर बहुत अच्छे हैं, पीडब्ल्यू का जितने टीचर सब औसत, जो जो इंसान अच्छा होता है उसको सब अच्छे ही दिखते हैं। और जो इंसान बहुत शुक्रिया सर, मतलब कोटा छोड़ के हम लोग बच्चों के बीच आए हैं जो कि बहुत फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है आपको पढ़ाने से, और बहुत सारे डॉक्टर हम लोग तो है, कहीं बुलाइए कॉल करके हम लोग तुरंत आपके तो कोटा पढ़ाए यहाँ पढ़ाए कहीं ना कहीं तो पढ़ा रहे हैं, कोटा में भी थे तो बच्चों को पढ़ाते थे, यहाँ भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और क्या। हम लोग पीडब्ल्यू आए, बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बड़ी मेहरबानी कि हम लोग पीडब्ल्यू में आए, तो गाँव देहात से नहीं। ठीक है बेटा, जैसे ठीक है जो डिजर्व कर सकता है बाहर जाके पढ़ना अच्छे कोचिंग में पढ़ना, उसको तो कोई भी पढ़ा देगा ना, उसको तो लोग पढ़ाएगा, कोई तो पढ़ाएगा, कोई भी पढ़ा देगा, और अच्छे टीचर की कमी नहीं है, खूब अच्छे टीचर, और 11 12 को पढ़ाना कोई रॉकेट साइंस तो दिखाया नहीं, छोटी छोटी चीजें बताना है तो बढ़िया बढ़िया है ना, पढ़ो मन लगा के, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और बहुत बढ़िया करो लाइफ में आगे, ठीक है बेटा, चलो पटना आइएगा जब हम लोग का मतलब सबका सिलेक्शन होगा, तो सब टीचर से सब मिलना चाहता है, बिल्कुल ठीक है, पहले तुम डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो बढ़िया, और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, वैसे मान लो कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ रही है ज्यादा अर्जेंट है, तुम्हें कॉन्टेक्ट करना है तो अकाउंट पे जाकर मुझे मेल कर देना, ठीक है, किसी चीज की समस्या हो कभी तो, ठीक है, घर में किसी चीज की सहायता की जरूरत हो, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो तो बता, ठीक है, ठीक है जी, ओके है ना, थैंक यू सर, चलो धन्यवाद, चलो थैंक यू, शुक्रिया, ओके एमआर सर है, बताओ यार, लोग इतने आगे जाने के बाद फिर रियलाइज करते हैं कि पढ़ना चाहिए और फिर वापस आके पढ़ते हैं, और आप लोगों को ऐसा मौका मिला है, समय मिला है, तो आप लोगों को ही पढ़ना चाहिए अच्छे से। ये कौन बोल रहा है, युगांडा आएंगे क्या? ठंड बहुत ज्यादा है, कहीं नहीं जाएंगे, घर में बैठेंगे। केपी लक्ष्य कह रहे झूठा, बेटा हर इंसान तेरी तरह नहीं होता ना, हर इंसान तेरी तरह तो नहीं होता ना, लाल बहुत मारूंगा, चलो
सर अभी जो क्वेश्चन डाला उसका आंसर क्या होगा? और कहां चले गए थे? हम लग रही थी क्या? अरे नहीं सर, वो बैटरी खत्म हो गई थी फोन की, ऑफिस में चार्ज ही नहीं किया था तभी। सर एक मेरे मन में विचार भी था, इस बात का मैं जवाब देना चाहूंगा सभी बच्चों को। हाँ, दो बच्चों को जवाब दो। बहुत बार सर नमस्ते, कैसे? नमस्कार बेटा, नमस्कार। तो ये एक सवाल जो पूछते रहते हैं कि सर बैकलॉग कैसे क्लियर कर, बैकलॉग कैसे क्लियर करें। आज बताएंगे सर कि बैकलॉग कैसे क्लियर। मतलब मैं कई बार ये सोचता हूँ कि ऑनलाइन क्लास पढ़ते हुए भी जब सब कुछ रिकॉर्डेड है ना और सारे वीडियो अवेलेबल है, फिर भी बच्चे के मन में आता है बैकलॉग कैसे क्लियर करें। तो ऑफलाइन में क्या हालत होती थी? मतलब अगर अपन को पहले बच्चा बोलता सर मैंने लेट ज्वाइन किया, मैं इस बैच में लेट आया हूँ, अब मैं क्या करूँ, तब हमें सोचना पड़ता था यार अब इसको अलग से पढ़ाना पड़ेगा या ये कहाँ से नोट्स अरेंज करेगा, इसकी जीवन में समस्या है। बाकी अगर ऑनलाइन क्लासेस है ऑलरेडी अवेलेबल है तो यार थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ता है हर चीज को क्लियर करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अलग करना है जीवन में। अरे पुनीत सर नमस्कार, सर नमस्कार, सर नमस्कार, सर नमस्कार। सर आपको मैं जानता हूँ सर। सर अब टांग खींचने के लिए आपने ऐड किया मुझे। सर सर जेम्स बॉन्ड भी तो अलग है देखो। अरे नहीं सर, ये ठंड बहुत है, बीमार ना हो जाए वरना लेक्चर। आप अगर अपना थोड़ा सा एंगल चेंज कर लो, ये आपका जो बल्ब है ना सिर पे आ जाए तो सर बिल्कुल बढ़िया मजा आ जाए। अभी ठीक है, ये रेडिएशन दे रहा है सर। सर रेडिएशन दे रहा है। और भाई दादा सर कहना चाह रहे हैं, एसपी सर ये कह रहे थे कि ऑनलाइन में जब आपके पास फैसिलिटी है या आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, आपके किसी टीचर के पास नहीं जाना, किसी डाउट फैकल्टी के पास नहीं जाना, रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप आसानी से कवर कर सकते हैं। आप वो सोचिए जब ऑफलाइन में बच्चे जाते थे वो कैसे बैकलॉग कवर करते होंगे। ज्वाइनिंग ऑनलाइन में नहीं होती, ऑफलाइन में भी तो लेट ज्वाइनिंग होती थी, उस समय बच्चे कैसे करते होंगे? वो तो और मुश्किल है, टीचर के पीछे घूमो, चार घंटा तो पहले टीचर के घूमने में खर्च करो। तो यू पीपल आर वेरी लक्की कि आपको ऑनलाइन में बैकलॉग कवर करने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर हमेशा अवेलेबल रहता है। समझ है कि नहीं है? तो ये बहुत अच्छी बात है। और बैकलॉग समय देने से सब कवर हो जाता है, और बैकलॉग जितना ज्यादा है वो उतना ज्यादा दिन में आया है, वो उतने ज्यादा दिन में ही जाएगा। बच्चा सोचता है कि मैं शक्तिमान हूँ, सर कुछ बोली फिर दो ताकि छह लेक्चर का बैकलॉग एक दिन में कवर कर दो। अरे भाई छह लेक्चर पढ़ाने में मास्टर का जान निकल गया था, तू छह लेक्चर एक दिन में कवर कर लेगा, मतलब तू ही शक्ति। सही बात है ना? बताओ सर, छह लेक्चर पढ़ाने में मास्टर को छह दिन लगा था, छह दिन लगा था मास्टर को पढ़ाने में, जान निकल गया था मास्टर को पढ़ाने के लिए। छह चैप्टर की बात कर ले या छह दस लेक्चर की बात कर ले या पंद्रह लेक्चर की बात कर ले, पंद्रह लेक्चर पढ़ाने में मास्टर का जान निकल गया था, पानी पानी हो गया था मास्टर। अब तू कहता है कि छह चैप्टर का बैकलॉग मैं एक घंटे में कवर करूंगा? हम तो अपना टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ सर, मतलब ये एक ऐसा बात बच्चा बोलता आता है कि सर मैंने अभी ज्वाइन किया है तो सर एक ही चैप्टर, बाकी सारे चैप्टर में कैसे पढ़ूंगा? तो यार ऐप में अवेलेबल है सब कुछ तुम्हारे लिए, है ना? तुम जाओ थोड़ा सा अपने दिन में से टाइम निकालो, जो कुछ छोटा है तो उसको कवर अप करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। तो जब तक एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालोगे तब तक कैसे मिलेगी चीजें? एक बच्चा लग रहा है सर मेरी मम्मी कह रही थी सर को भूख नहीं लगता क्या? और भाई क्या हाल चाल? ये सर, सर बढ़िया सर, आप अपना बताइए सर। बढ़िया, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें कहीं पहले बात हुई है अपनी। हाँ हाँ सर, बात हुई है, जमशेदपुर झारखंड से था मेरा, मम्मी से भी बात किया था। अरे हाँ हाँ, बहुत लकी है यार, बार बार तो ऐड हो जाता है। सर दूसरी बार ऐड हुआ। सर बढ़िया, पढ़ाई चल रही है, चल रहा है बढ़िया एकदम, कोई समस्या? हाँ सर, पिछले बार आपने पूछा था समस्या क्या है, समस्या तो कुछ नहीं है सर, बस आपको देखते रहते हैं तो समस्या हल होते जाता है। वाह ऐसा काश, ऐसा मतलब क्या बोलूं मैं, संकट मोचन बन गया। घर वाले भी, मेरे घर वाले भी ऐसा सोचते, मेरे घर वाले जब देखते कहते हैं ये समस्या है, तो कहता है कि आपको देखते समस्या सॉल्व हो रहा है। सर आपको जो जितना लेक्चर देखते जाते धीरे धीरे क्लियर होते जाता है सारा चीज,
और स्टार्टिंग में पहले जो सर सॉरी सर चलो ठीक है बढ़िया से पढ़ो मन लगा के पढ़ो कोई समस्या है तो बताना ठीक है चलो अभी अपनी बात तो हो ही करेंगे बात हमारा ठीक है ओके सर एक बच्चा बोला BMW की जैकेट और क्या बहुत अमीर आदमी हूँ मैं क्या समझाया तू मुझे हल्के बने लगते बच्चे सर से ये है पुनीत सर और ये शुभम सर इन दोनों से मैंने चंदा इकट्ठा करके ये जैकेट खरीदा है ये मजाक था चंदा और अब मुझे एक वो खरीदना है क्या कहते हैं वो जैकेट खरीदना है तो मैं एक वो फंड रेज करूंगा जिसमें सब लोग मुझे चंदा जमा करेंगे सारे बच्चे हाँ, सारे बच्चे 10-10 रुपए जमा करेंगे करेंसी में देंगे चंदा फिर युगांडियन करेंसी में चंदा देंगे बच्चे नहीं नहीं सर चंदा तो हम रुपए में ही लेंगे देंगे युगांडियन करेंसी में वाह 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 एक बच्चा कैसे 2 करोड़ दूंगा मैं डॉक्टर ये क्या क्या डॉक्टर बनने किसने कहा इन्हें 2 करोड़ तो है आज जो मैंने क्वेश्चन डाला उसका आंसर ये होगा कि देखो रस्सी पे चलो पुनीत सर जवाब बताइए पुनीत सर देखो हाँ जी एक बैलून है ठीक है और एक बैलून पे रस्सी बांध के लटका दिया बैलून के ऊपर एक लड़की बैठी है आराम से और नीचे से रामलाल बैलून की रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है जमीन के कांटेक्ट में नहीं है ठीक है और उसके सेंटर ऑफ मास पे एक बच्चा बैठा है अरे सर जी कहाँ फिजिक्स में जा रही हो अब सर रामलाल रस्सी को